अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, सबसे पहले हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है ना, इसको हम कॉट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्रिप सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। कॉट क्रिप डेथ सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। ये अनएक्सप्लेनेबल डेथ ऑफ दी बेबी होती है विद इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है, ठीक है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक रिस्क फैक्टर ये होता है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ना कि बेबी जो है अकेला सोता है कि मदर के साथ सोता है। अगर फॉर एग्जांपल वो मदर के साथ सोता है, हो सकता है कि मदर जो उसके ऊपर लेट गई हो, ठीक है, या मदर फीडिंग कर रही हो, उसकी वजह से उसमें जो है उसकी सांस बंद हो गई हो, बच्चा मर गया हो, ठीक है, ये हो सकती है कॉज। ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है ना, बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, प्री मेच्योर बच्चों में कॉमन होता है, 2 to 7 month ऑफ लाइफ में जो है ये होता है, ठीक है। इसके अलावा मदर जो होती है वो अनएक्सपीरियंस मदर होती है, वायरल इन्फेक्शंस, मिल्क इन्फेक्शंस, मिल्क एलर्जीज़ वगैरह हो सकती हैं, या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है शेकन इन्फेंट सिंड्रोम वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, एटॉप्सी फाइंडिंग, कोई स्पेसिफिक एटॉप्सी फाइंडिंग जो है इसकी नहीं होती है, एटॉप्सी फाइंडिंग, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई इन्वेस्टिगेट करें ना तो कुछ हमें फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। फिर भी इसमें जो है हमारे पास पल्मोनरी एडेमा हो सकता है, पेटिकल हेमरेजेस, कोलैप्स एल्वोलाई हो सकती हैं, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।